राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापामार कार्रवाई की है। कार्रवाई अभी भी लगातार चल रही है। आंजना दूसरे ऐसे मंत्री हैं जिसके ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापे मारे हैं। इससे पहले गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई हो चुकी है। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के उदयपुर के ठिकानों पर लगातार कार्रवाई चल रही है। कुल 8 ठिकानों पर यह कार्रवाई की जा रही है। चेतक इंटरप्राइजेस लिमिटेड के फतेहपुर स्थित दफ्तर पर छापे मारे गए। उदयपुर के सुखाड़िया सर्किल स्थित दफ्तर पर आयकर विभाग की टीम पहुंची है। उदयलाल आंजना की सीए का दफ्तर बताया जा रहा है। शहर में 2 से 3 ठिकानों पर छापे मारे गए। मंत्री उदयलाल आंजना के सीए के यहाँ छापे मारे जाने की बात सामने आ रही है। आयकर विभाग के अधिकारियों ने कुछ भी बोलने से इनकार किया है। सूत्रों के अनुसार आंजना के दफ्तर में मौजूद कर्मचारियों के मोबाइल बंद कराए गए। आंजना और उसके परिवार को फिलहाल आयकर विभाग का नोटिस नहीं मिला है। उल्लेखनीय है कि बीजेपी सांसद किरोड़ीलाल मीना ने शुक्रवार को कहा था कि 6 विधायक और 3 मंत्रियों के यहाँ छापे पड़ेंगे। इसके एक दिन बाद मंत्री आंजना के ठिकानों पर आयकर विभाग पहुंच चुकी है। बाहरी दखल से बचने के लिए दफ्तर पर ताला जड़ दिया गया और अंदर दस्तावेज की जांच पड़ताल चल रही है। अंदर कार्यवाही में मशगूल टीम सदस्यों ने किसी तरह की जानकारी देने से इनकार कर दिया। कार्यवाही देर शाम तक लगातार जारी है। उल्लेखनीय है कि चर्चित पेपर लीक प्रकरण को लेकर प्रवर्तन निषेधालय यानी कि ईडी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के जयपुर स्थित सरकारी आवास और सीकर स्थित निजी आवास, वहीं हाल ही में कांग्रेस प्रत्याशी घोषित हुए निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड़ला के ठिकानों पर भी छापा मारा था। इसके विरोध में कांग्रेस ने शुक्रवार को ईडी दफ्तर का भी घेराव किया था।